हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल में। और मैं लेकर आ गया हूँ आज आप सबके लिए एक टेक्निकल जानकारी, तो नहीं कह सकते, एक अनबॉक्सिंग कह सकते हैं इसे, अनबॉक्सिंग वो भी दोस्तों फ्रिज की। फ्रिज जो मैंने मंगवाया है अमेज़ॉन से, और आप इस फ्रिज को देखकर एक्सपीरियंस कर सकते हो कि किस तरह का ये फ्रिज है। अगर आप चाहे तो इसे खरीद भी सकते हैं अमेज़ॉन से, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मुझे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के माध्यम से, ऑफ़र के माध्यम से मैंने ये फ्रिज ख़रीदा है। इसकी सारी रिव्यू, सारी जितनी मैं जानता हूँ उसके बारे में, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो बने रहिए हमारे साथ में, आगे चलते हैं, आपको मैं बताता हूँ फ्रिज कैसा है। और ज़रूर कमेंट करके बताइए अगर आपको फ्रिज ये पसंद आता है, और इसकी प्राइसिंग के हिसाब से इसके फीचर्स कैसे हैं, ये सारी जानकारी आप हमें कमेंट में दे सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। हमारी फैमिली में बहुत सारे मेंबर हो गए हैं, यानी कि थोड़े ही दिनों में अब मैं जो मोनेटाइजेशन के लिए जितने लोगों की, जितने फैमिली मेंबर्स की, आप मान सकते हैं जितने सब्सक्राइबर, जितने व्यूअर्स की ज़रूरत थी, उतने मेरे चैनल पर होने वाले हैं दोस्तों। और आप सभी का प्यार इस चैनल पर बनाए रखें ताकि ऐसी ऐसी टेक्निकल जानकारियाँ और ऐसे ऐसे अनबॉक्सिंग आप देखते रहें आगे भी। धन्यवाद दोस्तों, चलिए चलते हैं, देखते हैं इस फ्रिज को। हाँ तो दोस्तों, इसके साथ में आप देख सकते हैं ये इसकी यूजर मैनुअल है। इसके ऊपर लिख रखा है इंस्टाली फ्रेश नियो फ्रेश वर्लपूल का, यहाँ पर आप ब्रांडिंग देख सकते हैं। इसके साथ में इसमें ये पीछे दे रखे हैं बहुत सारे, और इसमें आपको कैसे इंस्टॉल करना है, क्या क्या सावधानियाँ हैं, ये सारी जानकारी इस मैनुअल के अंदर दे रखी है। तो आप इसे भी आसानी से देख पाएंगे और इसके अनुसार आप अपने फ्रिज को यूज़ कर पाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ वर्लपूल का जो मॉडल नंबर है, आप देख सकते हैं ये रेफ्रिजरेटर है जो मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा है। इसके कुछ यहाँ पर फीचर्स देख लेते हैं दोस्तों। ये 2 स्टार रेटिंग का पावर सेविंग गाइड है इसके अंदर, और इसके ऊपर लिख रखा है आप देख सकते हैं 306 यूनिट पर ईयर ये इसका कंजप्शन है। और इसके साथ में आप देख सकते हैं रेफ्रिजरेटर वर्लपूल का है, और मॉडल एंड ईयर है FF2D2583S 2018, और टाइप लिख रखा है फ्रोस्ट फ्री, और ग्रोस वॉल्यूम है इसकी 245 लीटर, और स्टोरेज वॉल्यूम लिख रखी है 222 लीटर। इसके बाद में यहाँ पर नीचे देख सकते हैं आप 10 ईयर वारंटी कंप्रेसर की है, 9+1 की वारंटी मिलती है इसमें, 1 ईयर की इसकी मैन्युफैक्चरिंग वारंटी है दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर इसकी ब्रांडिंग है, आप देख पा रहे हैं, और ब्रांडिंग के साथ में इसके जो फिनिश है दोस्तों, ये स्टील फिनिश का आ रहा है दोस्तों। और इसके अंदर के यहाँ बाहर की आप यहाँ की सारी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह का कलर है दोस्तों इसका, इसके अंदर के फीचर मैं आपको बताता हूँ। अंदर में आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर के ऊपर की तरफ पूरा डीप फ्रीज है। यहाँ का अगर आप फीचर देखेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे एयर फ्लो सेट लिख रखा है, मिनिमम फ्रीज, नॉर्मल और डीप फ्रीज।
और नीचे डी फ्रीज लिख रखा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये कूलिंग को कंट्रोल करने के लिए एक तरह का टेक्नोलॉजी सेटअप है जो कंपनी वाले बताते हैं। ऊपर की तरफ यहाँ पे वाटर ट्री है, यहाँ पे जो आइस पैक बनाने के लिए है, और इसके बाद में यहाँ पर कुछ भी कूलिंग के लिए आइसक्रीम आइसक्रीम रख सकते हैं। इसके अंदर सिस्टम आप देख सकते हैं दोस्तों कि एक नीचे यहाँ पर ट्रे दे रखी है। ट्रे के अंदर इसमें अगर आप यहाँ पे बनाते हो कोई भी, अगर आइस बनाते हैं तो आप यहाँ से सीधे इसके अंदर डाल सकते हैं दोस्तों। और इसके बाद में अगर फीचर्स की दूसरी बात करें तो यहाँ सामने की तरफ आप देख पाएंगे यहाँ पर ट्रे हैं, जो यहाँ पर भी आप जैसे कि ड्राई फ्रूट्स और वगैरह यहाँ पर आप रख सकते हो। और इसके बाद में चलते हैं सीधे नीचे वाले फ्रिज सेक्शन में। दोस्तों मैंने नीचे वाले फ्रिज सेक्शन में आ गया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे डेयरी फ्रेश की प्रोडक्ट्स आप यहाँ पर रख पाएंगे। यहाँ पर एक डेयरी फ्रेश का ये कंपार्टमेंट दे रखा है जिसके अंदर आप आराम से ये दूध है और डेयरी के सारे प्रोडक्ट रख सकते हैं। इसके बाद में आप नीचे देखेंगे तो कूलिंग कंट्रोल है नीचे, आप देख सकते हैं मिड जो कि डिफ़ॉल्ट होता है और मैंने डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर रखी है इसकी दोस्तों। इसके साथ ही आप देखेंगे कि हाई और क्विक चिल का ऑप्शन भी दे रखा है। पीछे की तरफ आप एयर फ्लो दे सकते हैं, पीछे की तरफ एयर फ्लो देख सकते हैं। एयर फ्लो के साथ में यहाँ पर हवा भी पास होती है। इसके साथ में यहाँ पर ये जो टफन ग्लास है वो 90 किलो तक का वजन उठा सकती है, ऐसा कंपनी का कहना है। इसके साथ ही नीचे फ्रेश फ्लो एक्टिव डियो का भी यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर एक तरह की एक कंपनी की तरफ से डियो जैसी यहाँ पे स्मेल जो होती है प्रोडक्ट जो अंदर रखते हैं तो वो इस तरह की स्मेल नहीं आएगी। इसके लिए यहाँ पर ये फ्रेश फ्लो एक्टिव डियो का ऑप्शन साथ में कंपनी दे रही है। इसके साथ में ही आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर एक ग्लास है जो कि इधर आप देख सकते हैं हाई मॉइस्चर कंट्रोल लो मॉइस्चर कंट्रोल के लिए ये दे रखा है और यहाँ पर लिख रखा है हेक्सा फ्रेश मॉइस्चर लॉक। तो दोस्तों यहाँ पर नीचे की तरफ जो सब्जियाँ रहती है, नीचे की तरफ सब्जियाँ रखने के लिए ये कंपार्टमेंट दे रखा है पूरा, तो इस कंपार्टमेंट के अंदर सब्जियाँ 7 दिन तक फ्रेश रहेंगी ऐसा कंपनी कहती है। 7 डे गार्डन फ्रेश यहाँ पर ये कंपनी कहती है कि आपके ये रहेंगे। इसके बाद में अगर सीधे सामने की तरफ सेक्शन में अपन बात करें, यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि एक ट्रे रखी है जो एग के लिए है, और यहाँ पे कुछ प्रिजर्वेटिव जो मेडिसिंस होती हैं यहाँ पे भी रख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर बॉटल्स जो वाटर बॉटल है या कोल्ड ड्रिंक्स यहाँ पर रखने के लिए कंपार्टमेंट दे रखा है। इसके साथ ही क्लिप का सेक्शन दे रखा है जो आपकी बोतल को, जैसे 2 या 3 बोतल है तो इसे आप फिक्स रख सकते हैं। नीचे भी सेम टू सेम ऐसा ही यहाँ पर दे रखा है। और इसके साथ ही बाहर के और साइड के पोस्टर को देखें तो आपको मैं दिखा देता हूँ। इसमें दोस्तों 6 सेंस डीप फ्रीज टेक्नोलॉजी इसके साथ में आती है, जो कि एक इस फ्रिज को वर्लपूल का जो फ्रिज है उसे स्पेशल कैटेगरी में रखता है, और इसके कारण ये अपने आप हर चीज़ को समझने वाला कहते हैं। और इसके साथ ही आपको मैं बताता हूँ इसका बाहर का मॉडल कैसा दिखता है। और ये जो स्टील फिनिश का जो फ्रिज है दोस्तों, ये कुछ इस तरह का है। मैं यहाँ पर जगह कम होने की वजह से आपको सही से दिखा नहीं पा रहा हूँ, और तो भी कोशिश करूँगा कि आपको पूरा इसका फ्रिज का सेक्शन दिखे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। और इसकी प्राइसिंग और बिल के बारे में आपको बता दूं दोस्तों कि इसकी प्राइसिंग है जो मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा है, अगर आप भी ख़रीदना चाहते हैं, मैंने ऑफ़र में इसे 16,999 रुपये में ख़रीदा है। साथ में मुझे 1,000 रुपये का कैशबैक भी मिला था अमेज़ॉन की तरफ से, जो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल चल रहा था अभी 2018 में, और 2018 में जो कि अभी 16 तारीख 16 अक्टूबर को ही ख़त्म हो गया है, 15 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट थी। और
मैं आपको बिल बता देता हूँ दोस्तों। आप मेरा बिल और टैक्स इनवॉइस और बिल सप्लाई कैश और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सोल्ड बाय जो इस कंपनी के बेचा है इसके बारे में, और इसका सारा डिटेल ले रखा है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ऑर्डर नंबर, ये सारी चीज़ें, और मेरा एड्रेस दे रखा है यहाँ पे सारा उदयपुर का। नीचे आप देखेंगे तो देख सकते हैं वलफूल 245L टू स्टार फर्स्ट फ्रॉस्ट फ्री डबल डोर रेफ्रिजरेटर, और वही मॉडल नंबर लिख रखा है। गैलेक्सी स्टील इसका कलर दे रखा है। इधर आप देखेंगे तो यूनिट प्राइस लिख रखा है 14,405.93 और नेट अमाउंट बन रहा है 14,405.93, इसके साथ में 18% जीएसटी लगा है, और जीएसटी के साथ में 2,593.07 रुपया जीएसटी लगने के बाद मुझे 16,999 में मिला है। इसके बाद में अगर इसकी खास बात करें तो ये मार्केट में 20,000 से 21,000 रुपये में बिक रहा है। और अगर आप चाहते हैं इसी तरह के, मैंने क्रेडिट कार्ड से इसका ऑर्डर किया था ताकि मुझे नो कॉस्ट EMI में मिल गया है। दोस्तों ये थी पूरी जानकारी। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और आगे भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड वाले बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले। दोस्तों धन्यवाद लास्ट तक बने रहने के लिए। आपका दिन शुभ रहे।